हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल टू द कुकिंग एंड मच मोर। तो आज यू नो गाइस कि मैं कोई फूड रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, तो आज मैं कर रही हूँ रिव्यू हल्दीराम की मिठाइयों का। तो हम इतनी ज़्यादा मिठाइयाँ लेके आए हैं फ्रॉम हल्दीराम, और इसमें से कुछ मिठाइयाँ है जो मैंने ट्राई नहीं की है, लाइक हल्दीराम की वो मिठाई मैंने ट्राई नहीं की है। तो ये बहुत ऑनेस्ट रिव्यू होगा, और या सी देखते हैं। तो फर्स्ट पैकेट ये है हल्दीराम रसगुल्ला। ये तो मैंने ट्राई किया है, मतलब मैंने इसके पहले बहुत बार मैंने ट्राई किया है रसगुल्ला, तो आई नो इसका टेस्ट कैसा है। सेकंड है ये मथुरा पेड़ा। तो जो भी गाइस फ्रॉम दिल्ली साइड से है तो उन लोगों को पता होगा कि मथुरा पेड़ा जो है वो उस साइड बहुत फेमस है। जैसे महाराष्ट्र में सातारा कंदी पेड़ा बहुत फेमस होता है, तो उस साइड में मथुरा पेड़ा बहुत फेमस होता है। तो वहाँ पे तीन ऑप्शंस थे, एक था मथुरा पेड़ा, एक था मलाई पेड़ा और एक था केसर पेड़ा। तो मथुरा पेड़ा मैंने ले लिया, बिकॉज ये कभी मैंने ट्राई नहीं किया है मथुरा पेड़ा। नेक्स्ट है ये बर्फी। तो ये बर्फी मतलब मैंने बहुत बार ट्राई की है, बट हल्दीराम की ये वाली बर्फी मैंने ट्राई नहीं की है। तो ये दूधी बर्फी है, दोधा बर्फी, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, बट इट्स दोधा बर्फी, आई डोंट नो। और नेक्स्ट जो है वो है मिल्क केक। तो मिल्क केक भी काफ़ी डिलीशियस लगता है, बट मैंने हल्दीराम का ट्राई नहीं किया है, तो लेट्स सी के क्या है क्या नहीं। और इतनी मिठाइयाँ लेने के बाद मुझे ये पैकेट दिखा जो है मसाला काजू का, ये काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि चलो ये ले लूँ, ताकि यू नो मिठाइयाँ का रिव्यू देते देते थोड़ा टेस्ट बहुत मीठा मीठा हो जाता है, तो बीच में ये मैं थोड़ा सा खा लूँगी और मुझे अच्छा भी लगता है। तो ये पैकेट है मसाला काजू का, एंड दैट्स इट। मैंने सोचा आपके सामने ही इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये है पहला वाला जो है, ये मथुरा पेड़ा। तो कुछ ऐसे पैकेजिंग में आया है ये मथुरा पेड़ा, देखते हैं कितने पीस है वो भी मैं आपको बताती हूँ, और उसका प्राइस भी मैं साथ में आपको बताऊंगी। 12 पीस है, ये है मथुरा पेड़ा, और ये साइज के 12 पीस है पेड़े के। ये मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ, मैंने प्लेट लिया है, और इसका प्राइस है मथुरा पेड़ा का ये 165 रुपीस, और वेट है इसका 250 ग्राम, मतलब 250 ग्राम फॉर 165 रुपीस। ठीक है, ये पेड़ा हो गया हमारा। नेक्स्ट है मिल्क केक। तो मिल्क केक का भी मैं कर लेती हूँ, तो उसका भी पैकेट कुछ ऐसे आया है, और देखते हैं इसमें इसके कितने पीस हैं। इसके 9 पीस हैं, मिल्क केक 9 पीस हैं, और कुछ इस साइज में है मिल्क केक, इस साइज में है मिल्क केक। और जैसे आई सेड 9 पीस है मिल्क केक के, और इसका प्राइस है 185 रुपीस, 250 ग्राम, 250 ग्राम के लिए 185 रुपीस विथ 9 पीस। ठीक है, नेक्स्ट है बर्फी। 7 पहले आप पैकेजिंग देख लो, सेम पैकेजिंग है, और बर्फी के 7 पीस है, टेस्ट कैसा होगा। ये है बर्फी का एक पीस, ऐसे 7 पीस है, और इसका प्राइस मैं आपको बता दूं 190 रुपीस फॉर 250 ग्राम। नेक्स्ट है ये रसगुल्ला, नेट वेट है इसका 500 ग्राम, आई गेस 110 रुपीस, 110 रुपये फॉर 500 ग्राम। अच्छा, इसको भी मैं, इसका भी मैं निकाल लेती हूँ,
ठीक है, और साथ में मैं काजू भी ले लेती हूँ, बिकॉज इतना मीठा मैं खा नहीं पाऊंगी एक साथ, तो थोड़े से काजू ले लेती हूँ। ठीक है, काजू का तो मुझे पता है इसका टेस्ट काफी अच्छा लगता है मसाला पाती, इसके साथ सॉल्टेड काजू भी आता है। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको इतना कलर जो है वो एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है, बट अच्छा खासा मसाला लगा हुआ है इस पे भी। तो मैंने यहाँ पे ले लिए है ये सारी मिठाइयाँ, तो स्टार्ट कहाँ से करूँ? अच्छा, जैसे हमने पैकेट ओपन किया उसी सीक्वेंस में मैं ट्राई करूँगी। तो ये है पेड़ा, तो पहले मैं पेड़ा ट्राई करती हूँ, मथुरा पेड़ा ये। ऑनेस्टली गाइस, मैंने मथुरा पेड़ा इसके पहले कभी खाया नहीं था, लेकिन मुझे जो कंदी पेड़ा होता है, लाइक आपने अगर कभी ट्राई किया होगा सातारा कंदी पेड़ा जो ओरिजिनल होता है, वो तो सेम टेस्ट है। जैसे कि जो लोग सातारा से है या मतलब जिन्होंने ट्राई किया है सातारा कंदी पेड़ा, तो दे मस्ट नो। तो हाँ, ये मुझे सेम टेस्ट लगा लाइक सातारा कंदी पेड़ा, मुझे लगा कि मथुरा पेड़ा शायद कुछ और टेस्ट होगा, यानी कुछ अलग टेस्ट होगा, लेकिन सेम टेस्ट है, लाइक अच्छा टेस्ट है लेकिन सेम लाइक सातारा कंदी पेड़ा, वो मुझे सेम टेस्ट लगा। अगर आपने ओरिजिनल सातारा कंदी पेड़ा खाया होगा तो आपको समझ में आएगा। ओके, और सेकेंड था मिल्क केक, राइट? तो मैं मिल्क केक अब ट्राई करूँगी, इसके पहले मैं थोड़ा काजू खा लेती हूँ, मैं ज़्यादा मीठा मुझे अच्छा नहीं लगता है, काजू तो ऑलवेज, मिल्क केक उतना सॉफ्ट नहीं है, तो ये चम्मच से नहीं टूटेगा, टूटेगा शायद, लेट्स सी। मिल्क केक काफी अच्छा है, मिल्क केक तो वैसे टेस्ट में अच्छा ही लगता है। अच्छा, यू नो, एक जैसे दानेदार फ्लेवर होता है मिल्क केक का, मतलब वो स्पेशलिटी होती है और वो ऐसे होना चाहिए, वैसे ही है, तो मिल्क केक अच्छा है। फिर से काजू, नेक्स्ट में ट्राई करती हूँ ये वो जो बर्फी थी, वो बर्फी ट्राई करते हैं। बर्फी में मेरे को ज्यादातर ड्राई फ्रूट के अलग अलग फ्लेवर आ रहे हैं, लाइक कोकोनट, थोड़ा सा रोज, ड्राई फ्रूट्स लाइक शायद काजू तो है ही इसमें, ये दिख रहा है काजू, बादाम, बर्फी काफी अच्छी है बिकॉज वो एक के बाद एक फ्लेवर आ रहा है, जैसे कि ड्राई कोकोनट भी मुझे लगा थोड़ा सा रोज का भी आ रहा है फ्लेवर, और काजू बादाम ऑब्वियसली, और जो गीला कोकोनट होता है उसका भी एक टेक्सचर आ रहा है। इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, कोकोनट श्रेड्स, कैश्यू नट्स, क्लैरिफाइड बटर यानी घी, कार्डमम और व्हीट फ्लावर भी है इसमें, तो इसलिए इसका कलर जो है ऐसे आया, जैसे कि हम लोग हलवा बनाते हैं लाइक गेहूं के आटे का व्हीट फ्लावर का, तो उसका भी कलर ऐसे ही आता है, तो सेम कलर है। और टेस्ट में ये बर्फी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, लाइक
पेड़ा और मिल्क केक से। मिल्क केक टेस्ट में मुझे अच्छा लगा, बट मिल्क केक जैसे ना सॉफ्ट होता है वैसे सॉफ्ट नहीं था, लाइक थोड़ा सा ना वो हार्ड है और लास्ट में मैं ट्राई करूंगी रसगुल्ला। रसगुल्ला तो मुझे पता है इसका, हल्दीराम का रसगुल्ला काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। वाह, और बहुत ज़्यादा स्पंजी है, लाइक मैं इसे स्पून से जब मैंने अभी प्रेस किया ना तो इतना उसका शुगर सिरप जो है ना वो निकल आया, तो मैं स्पून से तो नहीं खा पाऊंगी। और रोज़ फ्लेवर है रसगुल्ला का, मतलब ऑलवेज रोज फ्लेवर ही होता है। ठीक है, तो अब मैंने चारों भी मिठाइयाँ जो है ट्राई कर लिया है और आपको मैंने बताया भी है इसका रिव्यू। तो अगर मैं सबसे ज्यादा रेटिंग देना चाहूंगी इन चारों में से तो मैं दे दूंगी सबसे पहले रसगुल्ला, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सेकंड दे दूंगी मैं बर्फ़ी, दिस वन, ये वाली बर्फ़ी। थर्ड मैं दे दूंगी पेड़ा, कॉज पेड़ा दो मुझे टेस्ट जो है मैंने कहा जैसे कि आपको सिमिलर लगा मुझे सातारा कंदी पेड़े जैसा, बट मिल्क केक से अच्छा है पेड़ा, तो या मथुरा पेड़ा और उसके बाद जो है मिल्क केक। मिल्क केक इसलिए लास्ट मैंने दिया है बिकॉज वो उतना सॉफ्ट नहीं था, नहीं है मतलब जितना सॉफ्ट उसे होना चाहिए था। मेरे रिव्यू के बारे में तो बता दिया, लाइक मुझे सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा और इस तरह से। तो अब मैं पूछूंगी सुल्तान से, तो सुल्तान आपको सबसे ज़्यादा मिठाई कौन सी पसंद आई? मुझे पेड़ा पसंद आया। तो उनको सबसे ज्यादा पेड़ा पसंद आया। सेकंड नंबर रसगुल्ला पसंद आया। थर्ड वो बर्फी पसंद आई। एंड फोर्थ केक, मिल्क केक। तो ये हर एक की चॉइस है, अभी ये मिठाइयाँ ट्राई करना और इससे मतलब अलग भी अगर आपने ऑलरेडी ट्राई की है हल्दीराम की मिठाइयाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी फेवरेट कौन सी थी। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अगर नहीं किया है तो। ओके, और या मिलते रहेंगे अलग से फूड ब्लॉग में, रेसिपी ब्लॉग में, या तो फिर इस तरह से फूड रिव्यू की ब्लॉग।